हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरी फर्स्ट वीडियो देखी क्लास 12th की, तो आज क्लास 9th की लिए फर्स्ट वीडियो फिजिक्स की, फर्स्ट चैप्टर की मोशन। और रियली थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने सारे लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब किए, 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो पता है घर में बैठना ही है, तो क्यों ना कुछ स्टार्ट कर लिया जाए। क्लास 9th, जो बच्चे क्लास 9th में आए हैं सीरियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे उन्हें, क्योंकि 8 और 9 एक से फेज शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ द जनरेशंस, तो ऐसे ही बहुत डिफरेंस है क्लास 8 के बच्चों में और क्लास 9 के बच्चों में। तो इसलिए 8th वाले बिल्कुल तैयार हो जाए, कमर कस ले अपनी कि वो 9th में आ चुके हैं और बहुत कुछ सीखना है 9th में आके। अब लर्नर मतलब हर चीज समझने वाली है। ठीक है, 8th क्लास तक क्या था, याद कर लेते थे, हो जाता था कंप्लीट, पर अभी लर्न करना है, लर्न नहीं करना है, समझना है उस चीज को, फिर उसके बाद उसको लर्न करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज मोशन। व्हाट इज मोशन? सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं? मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज लाइक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट इज मोशन। मोशन का मतलब क्या है बच्चों? मोशन का मतलब है कि सपोज एक पर्सन पहले यहां था, यहां से यहां तक गया, वो 6 बजे यहां था, 7 बजे यहां पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज की। क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो मोशन किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में होता है, या तो टाइम के रेफरेंस में होता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं यहां खड़ी थी इस बोर्ड के जस्ट इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है, 6 बजे, फिर 6:05 पे मैं वहां उस वाले कॉर्नर पे पहुंच गई, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मोशन किया, दैट इज कॉल्ड मोशन। समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजिशन को चेंज करने को हम लोग मोशन कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन। 2 तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस है, सपोज वाई एक्सिस डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस टाइम है। ठीक है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल टाइम में, फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर आप चले 2 सेकेंड में, 4 किलोमीटर आप चले 4 सेकेंड में। ठीक है, 2 किलोमीटर चले 2 सेकेंड में और 4 किलोमीटर चले 4 सेकेंड में, तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, एक सेम टाइम पीरियड से इंक्रीज हो रहा है, सेम डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहां 2 किलोमीटर बढ़ा तो यहां पे 2 सेकेंड बढ़ा। ठीक है, अगर मैं यहां पे 6 लिख दूं तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, 6, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले 2 किलोमीटर चले थे, 2 सेकंड में, फिर अगले 4 किलोमीटर चले, आगे 4 किलोमीटर चले 6 सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इक्वल डिस्टेंस कवर किया पर अनइक्वल टाइम में, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फ्रेंकली स्पीकिंग प्लीज कमेंट करिए और पूछिए। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि जो समझ में आता जाए नोट करते जाइए, और जो नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स होल जर्नी। उसने अपने पूरे जर्नी में कितना डिस्टेंस, कितना एक्चुअल पाथ कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से दुबई गई, ठीक है, तो कितने किलोमीटर होगा, सपोज मान लीजिए 250 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस हुआ, तो कितना पाथ कवर किया मैंने उस जर्नी में, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इस सर्कल पे मूव कर रहे, पहले आप यहां खड़े थे ए पोजीशन पे, ठीक है, फिर आप इसको यहां से ऐसे करके
ऐसे करके रिवॉल्व करके आप ए पे पहुंच गए। तो जरा मुझे ये बताइए, आप जहां पहले खड़े थे लौट के आप वहीं आ गए, तो क्या कोई भी डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में? नो। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है तो वहां डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मींस व्हेन द शॉर्टेस्ट पाथ, या कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई मूव 2 किलोमीटर इन ईस्ट, या फिर 3 किलोमीटर इन ईस्ट, 4 किलोमीटर इन नॉर्थ, देन दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ठीक है, ए बी 3 किलोमीटर है, बी टू सी 4 किलोमीटर है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हेयर? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज दिस, फाइनल पोजीशन इज दिस, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको निकालना आता है ये कितना निकलेगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? तब की इसमें डिस्टेंस क्या होगा? 3 + 4 = 7 किलोमीटर। गॉट इट? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी। अब पता है मैं एक वर्ड यहां पे यूज करती पर आपको समझ नहीं आता। मैं बोलती डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर? समझिए, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट, हाउ मच, जो हाउ मच का आंसर है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैंने बोला मैं 2 किलोमीटर चली, तो मैं कितने किलोमीटर चली? हाउ मच किलोमीटर आई कवर? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करता है दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच शोज ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच शो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेरी गुड, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है? जैसे मैं 2 किलोमीटर चली नॉर्थ में, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो वो क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। नोट कर लीजिए, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी है। समझ आया? नेक्स्ट इज कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? जब कोई क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट जरूर होने वाली है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट है बच्चों मीटर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। समझ में आ रही है? दोनों की एसआई यूनिट सेम है। अच्छा, एक और बात बताइए, जो स्केलर क्वांटिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? मैं चल रही हूं 2 किलोमीटर पर सेकंड से, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 2 किलोमीटर को कवर किया 1 सेकंड में। ठीक है, 2 किलोमीटर पर सेकंड, ध्यान समझिए, 2 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? आई कवर 2 किलोमीटर इन 1 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान से मेरी बात सुनिए। हर चीज को मैं यहां बोर्ड पर नहीं लिख रही हूं, क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू ग्रैब योर अटेंशन। और वो अटेंशन कब ग्रैब होगी? जब मुझे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और जो मैं बोल रही हूं वो आपके माइंड तक जाएगा जब आप ध्यान से समझेंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो नेक्स्ट इज कि स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्पीड और एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से गाजियाबाद गई,
गाजियाबाद से अलीगढ़ गई, अलीगढ़ से दुबई गई, ठीक है। तो दिल्ली से गाजियाबाद कुछ डिस्टेंस है, कुछ टाइम भी लगा होगा। गाजियाबाद से अलीगढ़ कुछ डिस्टेंस है, कुछ टाइम भी लगा। अलीगढ़ से दुबई कुछ डिस्टेंस है, कुछ टाइम भी लगा। तो टोटल डिस्टेंस जो लगा ऐड करिए, डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। समझ आया? नहीं आया कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितने टाइम में, ठीक है। स्पीड में डिस्टेंस था, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों के नीचे टाइम जरूर है, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या हो गया वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी थोड़ा डिफरेंट है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू। अब एक चीज समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड की, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है, पर डिफरेंस सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। इसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल, 2 किलोमीटर चली मैं नॉर्थ डायरेक्शन में, 2 किलोमीटर पर सेकेंड चली मैं नॉर्थ डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन शो हो गया। पर 2 किलोमीटर पर सेकेंड चली मैं सिर्फ, दैट इज कॉल्ड स्पीड। समझ आया? थैंक यू सो मच। और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, आगे की मैं वीडियोस बनाऊंगी, आप उसमें देखिएगा, ठीक है।